एक तो ये कि खोसा साहब ने मुझे अपने शागिर्द से मिलाया था सरीना में कोयटा, और मेरे बड़े अच्छे मरासम उनसे भी रहे, और यही समझा हमेशा कि खोसा साहब के ये जूनियर हैं, खोसा साहब से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन हुआ क्या कि इनके मुखालिफ आ गए, तो एक शेर अर्ज कर देता हूँ अपने जज्बात की तर्जमानी के लिए कि खोसा साहब का हाल ये हुआ कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। इसके अलावा अभी हमारे स्पीकर जो मुझसे पहले थे, उन्होंने उनका उनके बारे में अपना बॉन्ड साहब के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, तो एक उनके लिए नसीहत के लिए शेर कहना चाहता हूँ कि अपना दफ़तन तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है, दफ़तन तर के ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर। थैंक यू वेरी मच, जो कुछ हमने कहा मैं उसकी तारीफ करता हूँ।